स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए वीडियो में, जहां आज हम अपने रेगुलर वीडियोस यानी रेलवे की दुनिया से हटकर क्रिकेट की दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज वो दिन है जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के महानतम कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। आज सैटरडे यानी 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। पिछले कुछ सालों में हमने कुछ बेहतरीन खिलाड़ी रिटायर होते देखे हैं। 2012 में रिकी पोंटिंग, 2013 में श्री सचिन तेंदुलकर, इस तरह कई खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया और एक जमाना एक सदी गुजर सी गई। जिन खिलाड़ियों को देख देख हम बड़े हुए थे, आज वो खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह नए खिलाड़ियों ने ले ली जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट से लग रहा है जैसे एक ज़माना आज से ख़त्म हो गया। 2003 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया फाइनल तक पहुंच गई थी और जीत नहीं पाई थी, उस समय जितने भी खिलाड़ी थे इंडियन क्रिकेट टीम में, आज उनमें से कोई भी नहीं है। 2004 में बांग्लादेश दौरे से महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन क्रिकेट टीम में अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था। मैं अगर बात करूँ मेरे जीवन में महेंद्र सिंह धोनी के रोल के बारे में, तो मैंने इनको रणजी मैच खेलते एक बार देखा था, जहाँ इन्होंने 11 छक्के लगाए थे। जब इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे, तब से मुझे लगा था कि ऐसा खिलाड़ी टीम में ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद बांग्लादेश दौरों में इनकी एंट्री होने के बाद मुझे काफ़ी उम्मीदें थी। उसके बाद इन्होंने हमको निराश नहीं किया और आज तक इनका कामयाबी का दौर चलता चला आ रहा है। कई बार इनके बैटिंग स्टांस से और बैटिंग करने के तरीके से सामने वाले बॉलर्स की हालत ख़राब हो जाती थी, और ये हमने कई बार देखा है। चाहे वो T20 मैचेस हो, चाहे वनडे, चाहे टेस्ट मैच, अपनी चालाकी भरे निर्णयों से इन्होंने हमेशा अपने देश के दर्शकों को आश्चर्यचकित ही किया है, कभी किसी को निराश नहीं किया। कई बार हमें लगता था कि कैसे फैसले ले रहे हैं ये, मगर अंत में धोनी ही सही होते थे। और एक समय तो ऐसा भी आ गया कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि धोनी जो भी फैसला ले रहा है वो सही ही होगा टीम के लिए। आइए अब एक नज़र डालते हैं धोनी के बेहतरीन कैरियर के बारे में। टेस्ट मैच में 2005 में धोनी का पदार्पण हुआ था, जिसके बाद से 2014 में उन्होंने संन्यास ले लिया। टेस्ट मैच में 90 मैचेस खेलने के बाद 4876 रन उन्होंने बनाए, जिसमें उनकी एवरेज 38.1 और स्ट्राइक रेट 59.1 रही। ओडीआई में 2004 में उन्होंने पदार्पण किया, जिसमें 350 मैच खेलने के बाद रन उन्होंने बनाए 10,773 जिसमें उनकी एवरेज 50.6 और स्ट्राइक रेट 87.6 रहा। T20 के 98 मैच उन्होंने खेले, जिसमें उन्होंने 1,617 रन बनाए, जिसमें एवरेज रहा 37.6 और स्ट्राइक रेट रहा 126.1। अब आइए जानते हैं एज अ विकेट कीपर उनके क्या स्टैट्स रहे। टेस्ट मैच में 256 कैचेस, 3 रनआउट्स और 38 स्टंपिंग उन्होंने की हैं। ओडीआईज में 321 कैचेस, 22 रनआउट और 123 स्टंपिंग्स की हैं। वहीं T20 में 57 कैचेस, 8 रनआउट्स और 34 स्टंपिंग्स। वहीं बॉलिंग स्टैट्स की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी हरफन मोहला खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने बॉलिंग में भी ट्राई किया था। टेस्ट मैचेस में 90 मैचेस में उन्होंने 4.18 की इकोनॉमी से रन दिए, विकेट उन्होंने कोई नहीं लिया। वहीं ODIs में 350 मैचों में 1 विकेट ले चुके हैं वो। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम विकेट कीपर हैं जिन्होंने बॉलिंग करके विकेट लिया हो, जो कमाल की बात है। 7 जुलाई 1981 को रांची, जो अभी झारखंड में है, में पैदा हुए थे महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद उन्होंने एशिया 11, चेन्नई सुपर किंग्स, रेलवेज के लिए भी कुछ मैचेस खेले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जी का आगे का कैरियर उज्जवल रहे। जो खुशियां इन्होंने अपने पास्ट में देश को दी हैं, उनके लिए देश इनको हमेशा याद रखेगा। हम भी कैसे भूल सकते हैं वो दिन जब गली क्रिकेट खेलते हुए भले ही हम ठीक से बैटिंग ना कर पाते, उन्होंने खुद को धोनी कहकर बुलाना बहुत पसंद करते थे। वो हेलीकॉप्टर शॉट हम कैसे भूल सकते हैं। 125-25 मीटर के धोनी के छक्के हम नहीं भूल सकते, लेकिन हर चीज़ का अंत तो कभी ना कभी होता ही है। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी जी के कैरियर का भी अंत हो ही गया आखिर आज के दिन। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो भी मेरे रेल फैन दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं दिल ही दिल में क्रिकेट को भी पसंद ज़रूर करते होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।